नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो आज की सूची इस प्रकार है। पहले हम पढ़ेंगे चुंबक के गुणधर्म। चुंबक के क्या गुणधर्म होते हैं, वह क्या गुण दिखाता है, यह हम पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रभाव, यानी जब एक विद्युत तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका क्या चुंबकीय प्रभाव होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चौथा हम पढ़ेंगे एक सीधे चालक के माध्यम से विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पांचवा हम पढ़ेंगे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। और छठा और आखिरी है एक परिनालिका में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अब पढ़ने वाले हैं चुंबक के गुणधर्म। चुंबक के क्या गुण हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि पहला गुण है, एक मुक्त निलंबित चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। यानी जब हम एक चुंबक को मुक्त अवस्था में छोड़ देते हैं तो वह उसका एक कोना उत्तर और एक कोना दक्षिण की ओर इंगित करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हमने एक चुंबक को तार से बांध दिया तो उसका एक कोना दक्षिण की ओर जाएगा और एक कोना उत्तर की ओर जाएगा। समान चुंबकों के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जब दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे के पास आते हैं तो वह एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, और जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक का ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है उत्तर ध्रुव कहलाता है, और चुंबक का ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है दक्षिण ध्रुव कहलाता है। जैसा कि आप चुंबक में देख सकते हैं, एक कोना दक्षिण ध्रुव है, एक कोना उत्तर ध्रुव है। अब पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव। यह देखा गया है कि जब कोई कंपास किसी धारा ले जाने वाले चालक के निकट लाया जाता है तो विद्युत के प्रवाह के कारण कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है। यह दर्शाता है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसका मतलब है कि जब हम किसी धारा ले जाने वाले चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह चुंबक के गुण दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हमने विद्युत तार में धारा प्रवाहित की तो वह चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबक के चारों ओर बल का प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक द्वारा प्रयत्न किए जाने वाले बल का पता कंपास अथवा किसी अन्य चुंबक का प्रयोग करके लगाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चुंबक के चारों ओर जो ये रेखाएं दिख रही हैं ये उसके बल के प्रभाव के भीतर हैं। अगर हम किसी चुंबक को
किसी लोहे के वस्तु के पास ले जाते हैं, उसके बल के दायरे में ले जाते हैं, तो वह उसे आकर्षित करती है। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक रेखाओं को चुंबक की क्षेत्र रेखा या क्षेत्र रेखा कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह चुंबक के चारों ओर काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें हम चुंबक की क्षेत्र रेखा कहते हैं, जो कि इन चित्रों में दर्शाया गया है। अब हम पढ़ते हैं एक सीधे चालक के माध्यम से विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा देखा गया है कि जब एक सीधा चालक विद्युत धारा को ढोता है या ले जाता है या प्रवाह करने देता है, तो यह उसकी लंबाई के साथ चुंबकीय क्षेत्र का रूप ले जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब एक विद्युत तार विद्युत धारा ले जा रहा है, तो वह चुंबक के गुण दिखाने लगता है। विद्युत धारा ले जाने वाले एक सीधे सुचालक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हैं, जिनके केंद्र तार पर स्थित होते हैं। इसका अर्थ है कि जब किसी भी विद्युत धारा ले जाने वाले तार में धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बनती हैं, वह संकेंद्रित वृत्त के रूप में बनती हैं, जिनका केंद्र तार पर ही स्थित होता है। अब हम पढ़ते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। यह नियम फ्लेमिंग ने दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि किसी धारा ले जाने वाले चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार धारण करने की कल्पना की जाती है कि अंगूठे धारा की दिशा में इंगित करता है, तो हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम अपना अंगूठा एक चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है के दिशा में इंगित करते हैं, तो जहां हमारी उंगलियां मुड़ती हैं, वह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। अब हम पढ़ेंगे एक परिनालिका में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका तार का वक्र होता है, जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे यह उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ध्रुव तथा चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। कॉइल के तार के अधिक घुमाव या अधिक धारा का उपयोग करने से परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक तार का वक्र है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और हमें काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिल रहा है। आइए बढ़ते हैं सारांश की ओर। समान चुंबकों के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक का ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, उत्तर ध्रुव कहलाता है। चुंबक का ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, दक्षिण ध्रुव कहलाता है। यह देखा गया है कि जब कोई कंपास किसी धारा ले जाने वाले चालक के निकट लाया जाता है, तो विद्युत के प्रवाह के कारण कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है। यह दर्शाता है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। चुंबक के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र काल्पनिक रेखाओं को चुंबक की क्षेत्र रेखा या क्षेत्र रेखा कहते हैं। यदि किसी धारा ले जाने वाले चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार धारण करने की कल्पना की जाती है कि अंगूठे धारा की दिशा में इंगित करता है, तो हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। धन्यवाद।